नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति। राहु मिथुन राशि में, कन्या राशि में मंगल है, नीच का सूर्य वक्री बुद्ध के साथ तुला राशि में गोचर में है, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि केतु और बृहस्पति स्वग्रही होकर के धनु राशि में, चंद्रमा मीन राशि में गोचर में चल रहे हैं। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, खर्च की अधिकता रहेगी, बेकार के पछड़ों में फंसे रहे तो थोड़ा सा बच के पार करने की आवश्यकता है। मन परेशान रहेगा, बाकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यवसाय की स्थिति भी आपकी ठीक है, खर्च की अधिकता जरूर रहेगी लेकिन आवक बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई पड़े। शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, व्यवसाय भी ठीक रहेगा, प्रेम की भी स्थिति करीब करीब ठीक। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अर्थ के मामले में जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगा, शारीरिक स्थिति करीब करीब ठीक है आपकी और प्रेम की स्थिति थोड़ा मध्यम। मिथुन राशि, उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे, पैतृक संपत्ति में इजाफा होगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, कोर्ट कचहरी में विजय होगा, अच्छी स्थिति दिखाई पड़ेगी। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, व्यवसायिक स्थिति आपकी ठीक ठाक है। कर्क राशि, जोखिम से आप उबर चुके हैं, अच्छे दिनों की तरफ बढ़ चुके हैं, धर्म कर्म में भाग लेंगे, भाग्यवश कोई काम बनेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम की स्थिति पहले से बेहतर होगी, कुल मिलाकर के ठीक ठाक है, व्यवसायिक सफलता के साथ चलेंगे। सिंह राशि के लिए थोड़ा सा खराब समय कहा जाएगा, कुछ जोखिम भरा समय कहा जाएगा, स्वास्थ्य के मामले में और हर मामले में। व्यवसायिक स्थिति मध्यम से अच्छे की तरफ, प्रेम की स्थिति मध्यम से अच्छे की तरफ, कुल मिलाकर के ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा सा रिस्क मत लीजिए। कन्या राशि, बड़ा एंजॉय करेंगे, रंगीन बने रहेंगे, प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात संभव है, पति पत्नी की चली आ रही परेशानी दूर होगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, बस एग्रेशन पे आप काबू रखें, बाकी सब ठीक ठाक। तुला राशि, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, शारीरिक तापमान बढ़ा रहेगा, बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलेगा, व्यवसायिक सफलता की तरफ बढ़ते जाएंगे, कुल मिलाकर अच्छा समय। वृश्चिक राशि, भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिए, अदरवाइज परेशानी में आएंगे, प्रेम में थोड़ी अनबन दिखाई पड़ेगी, जीवन साथी के करीब आएंगे, सब कुछ ठीक ठाक है। धनुराशि, भूम भवन वाहन की खरीदारी संभव, मां से निकटता आएगी, कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति है, शारीरिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई है, प्रेम की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है, अच्छी स्थिति है आपकी। मकर राशि, जो करना चाहते हैं उसको करिए, यह समय है अपने योजनाओं को लागू करने का, थोड़ी खर्च की अधिकता जरूर होगी, यद्यपि शुभ कार्यों में खर्च होगा, तो कुल मिलाकर के मध्यम से अच्छे की तरफ जा रहे हैं और आज का दिन आपके लिए सुटेबल है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक। कुंभ राशि, किसी तरह की कोई आर्थिक जोखिम मत लीजिए और जुबान से थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखिए, बाकी स्वास्थ्य ठीक ठाक है, प्रेम की स्थिति मध्यम है, व्यवसाय की स्थिति ठीक ठाक। मीन राशि, नायक नायिका की भात चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, जिस चीज की जरूरत है उसकी उपलब्धता है, प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी, व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी और स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया। नमस्कार।